आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आप हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1946 के अश्विन माह की 9वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 1 अक्टूबर सन 2024। सुबह के 6:11 और ठीक 22 सेकंड हुए हैं। ये मंगल की प्रभात है, मंगल की मुक्ता के साथ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम सहस। बदन तुम्हारो जस गावे, हस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हहीसा। जम कुबेर दिग जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि
मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु सारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। राम लखन सीता सहित हृदय बर
सामान्य जल में जब कुछ बूंदें गुलाब जल की डाल दी जाएं, तो पूरे जल का स्वरूप ही बदल जाता है। आइए कुछ ऐसे ही अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपने कर्म में प्रभु भक्ति का रस मिला लें और महका लें अपना जीवन भी। कभी
अपने लिए सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना होगा। अगर चाहत है कि सब मुझसे प्यार करें तो सबको प्यार करना ही होगा। जग का विधाता तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग है अधूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। 6:28 और ठीक 22 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं अर्पण मंगल की मुक्ता के साथ। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार जनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूं, आपके मन से जुड़ रहा हूं। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का एक साल का नहीं होता है, ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद करता हूं, ऐसा लगता है कि मैं जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। मेरे साई जीवन में
अमृत रस भर दो जीवन में, अमृत रस भर दो मेरे साई, मेरे साई। मन दर्पण को निर्मल कर दो, की बात है। कहते हैं एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ मार्ग पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति गहरी नींद में सोता दिखाई दिया। शिष्य ने देव, राजन, हे भले मानस ऐसे कितने ही संबोधनों से उस सोते हुए व्यक्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति टस से मस ना हुआ। अब गुरु सड़क से थोड़ा और किनारे होकर आगे बढ़ गए और अपने शिष्य को समझाते हुए कहने लगे कि नींद में ओंग रहे इंसान को कितने बड़े बड़े नाम दे दो, कोई बात कहो, कोई लाभ नहीं होगा, जरूरत उसे झकझोर कर जगाने की है। चेतना में ही बात सुनी और समझी जाती है। सत्य है, अज्ञान भी इसी गहरी नींद के समान है। आंतरिक जागृति होगी
तो सत्य का प्रकाश दिखेगा, तब पता चलेगा कि परमपिता केवल और केवल एक है और वही सच्चा नाता है। पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी था काड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। पाते खुद पछाड़ा तू मेरी ओट, तू है मेरा माड़ा। तुम्हारी कृपाते खुद पछाड़ा तू मेरी ओट, तू है मेरा माड़ा। बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेले आखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। जी जंत सब तो दे पाए, जित जित बाणा तित तित लाए। जी जंत सब तो दे पाए, जित जित बाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे नाही पीछे आसाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। नाम तेराए मां सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सित लाया।
देहाए मां सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया गुरपुरे वजीवाधाई नानक जिता में खाड़ा जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा पिता तू है। अगर मन में इस परमात्मा को टिकाना है ना तो मन रूपी बर्तन से अहंकार हटाना होगा और यदि मन में परमात्मा को बिठाना है तो हर एक में केवल इस परमात्मा के दर्शन करने होंगे क्योंकि जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चली है। 6:44 और ठीक 24 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में हम और आप मिलकर श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ और 6:55 पर सुनेंगे संस्कृत भाषा में समाचार। मंगल की मुक्ता करेगी आपसे मुलाकात सुबह सवेरे 7:10 पर। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। नमस्कार। विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए